नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं आपके साथ के राणा। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मालेगांव में अधिकारियों ने छापा मारा था और रेत खदान बंद करा दिया था, जिसमें अधिकारियों ने दो पोखरण मशीन भी मौके पर मिली थी, जिनमें से एक को जब्त कर लिया गया था और दूसरी मशीन को मौके पर ही छोड़ दिया गया। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। बता दें कि सोजर विधानसभा में आने वाला मालेगांव पर भीमसेना ने खनिज कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि अधिकारियों की रेत तस्करों से साठगांठ है, जिसके चलते रेत की तस्करी जोर शोर से चल रही है। इस मामले को लेकर भीमसेना के अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह खारीबाहर गांव पहुंचे और वहां विकास तिहार कार्यक्रम में पहुंचे और वहां ईव नदी पर बने पुल का लोकार्पण किया। बता दें कि इस पुल में 5,19,00,000 रुपये की लागत लगी थी। साथ ही सीएम ने अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। सीएम ने 14,566.14 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 93,065.69 लाख कार्यों का शिलान्यास किया। सीएम ने 24 लोगों को सीएम आवास नगर की चाबी सौंपी है। बच्चों ने सीएम को केक गिफ्ट किया है और किताबों का विमोचन किया है। साथ ही प्रशासन ने कौशल विकास और पंचायत की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए दो मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए हैं। जो दो राज्यों के बीच जोड़ने वाला पुल के साथ साथ तीन महत्वपूर्ण सड़कों के का हुआ और जसपुर ने एक प्रकार से कीर्तिमान स्थापित किया है। 60,000 उज्ज्वला के कनेक्शन का काम, करीब करीब आवास में जो इन्होंने कीर्तिमान स्थापित 18,000 आवास बना चुके हैं और 1,00,000 से ज़्यादा उज्ज्वला केस करने वाला अकेला जसपुर है जिसने कीर्तिमान स्थापित किया है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल उन्नयन का चमत्कारी काम, 700 बच्चों को आज प्लेसमेंट भी मिला है और इसके साथ ही साथ पूरे क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो क्लस्टर बनाया है, जो विलेज का जो समूह बनाया है, वो भी अपने आप में अद्वितीय है। किचन का जायका बढ़ाने वाले टमाटर का भाव अब आसमान से जमीन पर आने लगा है। एक सप्ताह पहले 40 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब मात्र 10 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर किसान इसे स्थानीय बिचौलियों की दादागिरी बता रहे हैं, जिसके चलते बाहर के व्यापारी सीधे मंडी से टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। टमाटर की लाली टमाटर के किसानों के लाल पर नजर आ रही थी। टमाटर नगरी कहा जाने वाला पत्थलगंज गांव में टमाटर किसान खुश थे, क्योंकि टमाटर 900 से लेकर 1200 रुपए प्रति भांड में बिक रहा था। लेकिन टमाटर की लाली जिन किसानों के गालों की लाली बनी हुई थी, अब टमाटर की वही लाली उन किसानों को गुस्से से लाल कर रही है, क्योंकि अब टमाटर के भाव 1200 से गिरकर 300 रुपए प्रति भांड मंडी में बिक रहे हैं। लगता है कि इन किसानों को अब किसी की नज़र सी लग गई है। किसानों का कहना है कि ये सब स्थानीय बिचौलियों के चलते हो रहा है। ये बिचौलिए बाहर से आने वाले टमाटर व्यापारियों को रोक रहे हैं। उत्पादन इतने छह जैसे कम हो रहा है उत्पादन, लेकिन यहाँ जो सामने वाला ही वो आके नपा रहे हैं तो ज़्यादा महंगा नहीं नपा पा रहे हैं। तो क्या मानते हैं लोकल जो यहाँ पर जो खरीदार है कोचियाँ, उसकी वजह से कम हो गई क्या? हाँ, उसी के वजह से, जैसे लोकल कोचिया आते हैं ना तो 200-250 मांग रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग का टमाटर नहीं बिक पा रहा है भैया। यहाँ तो डाउन हो गया है भैया, जो बाहर से व्यापारी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है और रेट कम हो गया। पहले 1,000-1,200 मिलता था, वहाँ अब तो 200-300 मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि इन किसानों के दर्द को अब कौन सुनेगा। दिन रात की मेहनत, खून पसीने, सर्दी हो या गर्मी, किसान खेत में मौजूद होता है। गर्मियों में धूप किसान को सताती है तो सर्दियों में कड़ाके की ठंड किसान पर जुल्म करने से बाज नहीं आती। लेकिन इन सबको हरा कर किसान अपनी फसल को उगाता है और जब उस फसल को लेकर मंडी में जाता है तो कौड़ियों के भाव बेचने को मजबूर हो जाता है। कभी बिचौलिया अपना फायदा देखते हैं तो कभी पुलिस टैक्स के रूप में पैसे वसूलती है और मंडी में जाकर आड़ती देनी पड़ती है। किसान अपनी मेहनत से देश का पेट भरता है और लोग उसी का पेट काटने पर लगे हुए हैं। सरकार से लेकर प्रशासन और अधिकारियों से लेकर आड़ती और बिचौलियाँ सब किसान की जेब काट कर अपनी जेब भरने में लगे हैं। है टमाटर बहुत होने के बावजूद भी है और कोचिया लोग आ नहीं रहे हैं। अब आते हैं तो फिर वही रेट नहीं बढ़ रहा है, लोकल कोचिया ले रहे हैं। अब पता चीज का हो जाता है कि यहाँ कुछ दलाल भी हैं, दलाल की वजह से और मार खा जाता है हम लोग का ये रेट। वहीं स्थानीय बिचौलियों का कहना है कि अब बाहर से टमाटर की फसलें आने लगी हैं, जिसके चलते टमाटर के व्यापारी यहाँ नहीं आ रहे हैं। पिछले साल सड़क पर टमाटर फेंक रहे थे, इस बार अभी तक टमाटर का अच्छा दाम है, थोड़ा बस रुक जाइए,
जिसके चलते टमाटर के व्यापारी अब यहाँ नहीं आ रहे हैं। पिछले साल सड़क पर टमाटर फेंक रहे थे, इस बार अभी तक टमाटर का दाम अच्छा है, थोड़ा कम जरूर हुआ है। अभी 300 से 350 रुपए प्रति कांवर। क्या कारण है अचानक कम होने का? कारण क्या है कि अगल बगल अब चालू हो गया, जहाँ माल जाता था वहाँ भी चालू हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाहर से व्यापारी नहीं आने के कारण, जिसके वजह से क्या ऐसा है क्या? बाहर में माल चालू हो गया तो व्यापारी नहीं आ रहे, इसलिए इसकी वजह से रेट कम हो गए। बहरहाल कारण चाहे जो भी हो, लेकिन टमाटर के दाम धड़ाम से गिर चुके हैं और किसान काफी तकलीफ में है। प्रशासन को इस मामले में किसानों के हितों का ख्याल रखने के लिए पहल करनी चाहिए। अगर अन्नदाता ही परेशान होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? जशपुर से अतुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। किचन का जायका बढ़ाने वाले टमाटर का भाव अब आसमान से जमीन पर आने लगा है। एक सप्ताह पहले 40 रुपए किलो बिक रहा था, लेकिन अब मात्र 10 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर किसान इसे स्थानीय बिचौलियों की दादागिरी बता रहे हैं, जिसके चलते बाहर के व्यापारी सीधे मंडी से टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आमानाका में कवाड़ी के प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई, जिससे आसपास में रह रहे रहवासियों में अफरा तफरी मच गई। यह घटना दोपहर 12 बजे की है। आमानाका की जमीन पर आग थी और आसमान धुआं धुआं था। आग के गोले धुएं के साथ धधक रहे थे। इस तस्वीर में देखिए कि आग कितनी भयंकर थी। आपको बता दें कि ये आग उस समय लगी जब पूरे शहर का कचरा बीन कर इकट्ठा किया गया और मजदूर कवाड़ छाटने में लगे हुए थे। सूचना के मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान होने की बात कही गई है। क्या काम होता था बताएंगे? सब सर वेस्ट प्लास्टिक का काम था। यहाँ पर जो रद्दी प्लास्टिक घरों से निकलता है वो हम लोग डम करते हैं, फिर उसको क्या है छाट वाट के रेडी करके दाने वाले पास बेचते हैं उसको। यहाँ कम से कम 250 लेडीज काम करती है। मेरा कम से कम करोड़ों का माल था इसमें, पूरे मैदान में एक एकड़ है, पूरे चारों तरफ फैला हुआ था माल पूरा। सिर्फ क्या बीच में जाने का रास्ता था, आजू बाजू पूरा माल था, बीच में सिर्फ रास्ता था, बाकी लेडीज लोग पूरा छाटते थे माल को। छाटने के बाद रेडी होने के बाद एक तरफ जमाते थे, जमने के बाद मशीन में कटता था माल। कितने बजे आग लगी? ये 12 बजे के लगभग। मैं 12 बजे देखा भैया, उसके बाद गया पछवाड़े में, पूरा लकड़ी का पूरा धर रहा था लकड़ी, और पहले प्लास्टिक में नहीं गया था वो, पहले लकड़ी में गया था। उसके बाद उसका बोर पूरा बंद था, बोर को चालू किया, उसका बोर चालू नहीं हुआ, ओकर बाद पूरा लग गया आगे, फिर फोन। अखिल भारतीय क्षत्रिय प्रांतीय महासभा के कार्यालय का शुभारंभ 7 जनवरी को हुआ, जिसके मुख्य अतिथि युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर अवनीश सिंह रहे। आपको बता दें कि इस महासभा का उद्देश्य समाज को संगठित करना और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भागीदारी होना है, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा भी अपनी अहम भूमिका निभा सके। प्रदेश संयोजक राणा अंकित ने बताया कि समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करना और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और उनकी मदद करना ही हमारा उद्देश्य है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा छत्तीसगढ़ का प्रांतीय कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है 7 जनवरी महादेवघाट रायपुर में, तो उसके लिए हम सबको अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर उपस्थित हों। कार्यालय का शुभारम्भ है और एक युवा सम्मेलन है, जो भी हमारे 14 जिलों के विस्तारित पदाधिकारी हैं युवा, वो सभी लोग आएंगे। रायपुर में 12 जनवरी को होने वाले युवा महोत्सव के पहले इसकी तैयारियों को लेकर जिला अधिकारी ओपी चौधरी ने रेड क्रॉस महाकक्ष में बैठक की। इस बैठक में जिला पंचायत CEO निलेश क्षीरसागर सहित सभी स्कूल कॉलेजों के प्रिंसिपल मौजूद रहे। ओपी चौधरी ने बैठक में प्रिंसिपलों को स्कूल कॉलेज स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही तैयारियों की समीक्षा भी की गई। आपको बता दें कि साल 2017 में भी ये कार्यक्रम हो चुका है। इस मौके पर रायपुर कलेक्ट्रेट ओपी चौधरी ने कहा कि पिछले बार भी मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में युवा महोत्सव का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत 9 जनवरी से होगी और 12 जनवरी को मुख्य कार्यक्रम होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल होंगे। मैं एक्चुअली लास्ट ईयर भी राष्ट्रीय युवा दिवस को बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मनाया गया था। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवा महोत्सव को युवाओं को डेडिकेट करते हुए अच्छे से मनाया जाए। इसके लिए हम 9 तारीख से ही कुछ कुछ एक्टिविटी शहर में चालू कर देंगे। 9 तारीख को प्रयास सड्डू में जो नया कैंपस बना है उसमें एक्टिविटी चालू हो जाएगी। 10 तारीख को हम प्लान कर रहे हैं ऑक्सी रीडिंग जोन और कटोरा तालाब में एक्टिविटी हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता